his persuasiveness. I'll be back. कोई दो मिनट तक मैं इंशाल्लाह आपके साथ वापिस आ रहा हूँ, ठीक है जी? बस मैं इसको सर जी बच्चों, लेट स्टार्ट, शुरू करें। हेलो, जी आवाज आ रही है सबको? हेलो,
जी स्टार्ट करूं बच्चों? हेलो हेलो। जी सर, कर लें स्टार्ट। अच्छा चलें। सो बिकॉज कम्युनिकेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है, बाकी सारी चीजें वन बाय वन इंशाल्लाह इसके लाइट के अंदर हम लेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट इन कम्युनिकेशन। देर आर सर्टन मैसेजेस which are very much required for the business context. Normally, there are three types, or rather four types of messages. Number one is the neutral message. This message is used for writing instructions, manuals. Number two comes the good news message. Such messages are conveyed or conveying used for conveying good news messages. जो भी डिटेल से मैं इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर हो जाते हैं बैड न्यूज मैसेजेस। इन मैनी सर्कमस्टांसेस वी नीड टू गिव बैड न्यूज मैसेजेस टू द पीपल एंड दे आर ऑलवेज फेस टू फेस। कोशिश यही की जाती है बैड न्यूज मैसेजेस जो हैं वो फेस टू फेस हों, उनको हम रिटन मैसेजेस के अंदर ना दें। दो के हमें लिखना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये की जाती है कि जो बैड न्यूज मैसेज होता है दैट इज ऑलवेज कन्वेड फेस टू द पीपल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आगे की बहुत बड़ी कैटेगरीज इसके अंदर आ जाएंगी। इसमें हमारे एसेज कवर होंगे, इसमें हमारे एप्लीकेशन कवर हो जाएगी, फीडबैक वाला पोर्शन कवर होगा, दैट इज द परसुएसिव मैसेजेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज द परसुएशन। सेज इट इज मेंशन्ड इन द स्लाइड, द परसुएशन इज एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग योर आइडियाज टू द रीडर्स और टू द लिसनर्स टू सपोर्ट to believe in and act in your favor. यानी कि हम persuasive messages, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसे messages होते हैं जो बहुत ही powerful messages होते हैं business context के हवाले से, ये messages हम इसलिए लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि हमें favor मिल सके और हम लोगों के ओपिनियन को, लोगों की मर्जी को अपनी फेवर के अंदर इस्तेमाल कर सकें। लाइक कंप्लेंट मैसेजेस होते हैं, उसमें जितना बेहतर आप परसुएसिव हो जाएंगे आपकी कंप्लेंट उतनी जल्दी ऑनर्ड हो जाएगी। दे मे बी इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट। अब नाउ देयर आर टू मेथड्स, जैसे मैं मुकम्मल करता हूं तो मैं आपको वो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों की बात बताता हूं। परसुएसिव मैसेजेस जो हैं हमारे वो डायरेक्ट मेथड पे भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड पे भी हो सकते हैं, और दोनों के दोनों जो हैं दे आर इक्वली वर्केबल। General formula for writing persuasive messages is the IDA plan. अभी चार letters हैं, इन चार letters के ऊपर ये पूरे का पूरा आपका message जो है ना वो plan होता है। देखें पहला है A, attract the reader's attention. How can you grab attention of the readers? हमने कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर भी ये चीज पड़ी थी। अटेंशन ग्रैबिंग सबसे मुश्किल काम होता है। अब अटेंशन ग्रैब कैसे करनी है? व्हेन यू टॉक इन द इंटरेस्ट ऑफ योर ऑडियंस। मिसाल के तौर पे एक बुरा मैसेज आपने लिखना है, कंप्लेंट है कि जी मैं लास्ट दो मंथ से
फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप ख़राब है, मैंने भेजा हुआ है, आप उसको ठीक नहीं कर रहे, और तो इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग विद अ बैड वर्ड्स, सो व्हाई नॉट टू ओपन द स्टेटमेंट विद सम मैमेकेबल स्टेटमेंट वेयर पीपल एक्सेप्ट इट। बुरी बात भी अगर अच्छे तरीके से कही जाती है तो बुरा बंदा भी उसको एक्सेप्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगाता। फॉर एग्जाम्पल हम उसी को इस तरह से कहते हैं कि रेफर टू माई प्रीवियस कंप्लेंट, आई एम श्योर दैट हैज बीन गिवन द प्रॉपर रिवार्ड और दैट हैज बीन गिवन द प्रॉपर अटेंशन, बट बिकॉज आई नो द हाई engagements of your organization, that's why I'm writing it again. इसके बाद आप जो मर्जी कर लें उनके साथ, इसलिए कि आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आपने उनको annoy किया हो, लेकिन आपने एक amicable तरीके से उनको बता दिया कि आप क्योंकि engaged थे तो मैंने सोचा मैं आपको दोबारा याद करवा कि मेरी तरफ से ये complaint आपकी तरफ मौजूद है वगैरह वगैरह, ये हम प्रैक्टिस करते हैं अभी, तो फिर वहाँ पर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। दूसरा, अराउज द रीडर्स इंटरेस्ट। रीडर की इंटरेस्ट को क्रिएट करना है। जब तक हम इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करते, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, जब तक लोग इंटरेस्ट नहीं लेते वो आपकी बात को पढ़ते नहीं हैं, और जब लोग आपकी बात को पढ़ेंगे नहीं तो उनकी बात समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले उसकी अटेंशन को ग्रैब करें, और फिर कुछ ऐसे मैसेजेस, ऐसे सेंटेंस बनाएं कि जिसकी वजह से उसकी अटेंशन ग्रैब होना शुरू हो जाए। कैन क्रिएट डिज़ायर एंड कन्विंस द रीडर्स, और फिर बातों ही बातों के अंदर उसके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट कर दें कि वो आपकी बात को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर ले जाए और आपकी बात को सुने। और द लास्ट है अ स्टेट क्लियरली द एक्शन रीडर्स नीड टू टेक। ये बड़ा ज़बरदस्त है। आइडिया के अंदर जो आखिरी है, अराउज इंटरेस्ट फॉर डिज़ायरेबल एक्शन, आखिरी वाला जो एक्शन का ए है कि वो आपकी बात सुन के एटलीस्ट उसी वक्त इधर माइनर और मेजर और वट एवर इट इज मस्ट टेक सर्टेन एक्शन, बिकॉज इफ इज गोइंग टू टेक द एक्शन, समझ लें कि आपका लेटर जो है वो एक सक्सेसफुल हो गया। अब इस तमाम कामों के लिए क्या करना है, आए जरा हम आगे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखें persuasive messages का पूरा एक चार्ट यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि आपने ओपनिंग पैराग्राफ में क्या करना है, मिडल के अंदर क्या करना है, और लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर पहला है प्रॉमिस। अब ये जरूरी तो नहीं होता कि आपका लेटर बैड न्यूज मैसेज ही हो, एक बहुत अच्छा मैसेज भी तो दिया जा सकता है। भाई आपने लोगों को कायल करना है कि प्रोडक्ट को खरीदे, तो गिव देम सम प्रॉमिस, फ्यूचर ग्रेटिफिकेशन, सो दे मस्ट रिमेन अटैच्ड विद यू। और वो प्रॉमिस क्या हो सकता है, वो डिलीवरी हो सकती है प्रोडक्ट की, वो डिलीवरी हो सकती है सर्विसेज की। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। शुड आई इंश्योर दैट योर बुक फ्लैट विल बी डिलीवर्ड एज पर योर डिजायर्ड टाइम टेबल या टाइम स्केड्यूल। ये आपका एक प्रॉमिस हो गया। लोग प्रॉमिसेस लाइक करते हैं क्योंकि एक उम्मीद पैदा होती है उससे उनको,
आप अपने लेटर्स के अंदर ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर प्रॉमिसेस क्रिएट करें लोगों के लिए, दूसरा होता है एग्रीएबल मोमेंट कमेंट्स, वी हाईली अप्रिशिएट योर कंसर्न दैट यू हैव रिटन रिगार्डिंग द पुअर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यू. अब देखें आपने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ हाइडिंग बिहाइंड द स्टेटमेंट्स यू एग्रीड विद देम कि जो कुछ आप कह रहे हो ये ठीक है, तो एग्रीएबल स्टेटमेंट्स दे दें. एग्रीएबल स्टेटमेंट से फायदा ये होगा कि लोगों का जो गुस्सा होता है वो कम हो जाता है और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं. और assertion, assertion normally हम कहते हैं win-win situation. Now what is the win-win situation? कि आपने एक चीज डिलीवर करनी है, आप उसको प्रोमिस कर ले, डिलीवर कर रहे हैं, आपकी गलती है आप उस गलती को मान लें, आपकी गलती नहीं है आप एक ऐसी स्टेटमेंट क्रिएट करें कि आपके ऊपर ब्लेम भी ना आए और दूसरा उस. अब इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आपने बाजार से एक स्वेटर लिया, अब जैसे सर्दियां आ रही हैं और वो स्वेटर आपने धो दिया, या आपके क्लाइंट ने वो स्वेटर खरीदा और उसने गर्म पानी में धो दिया, उसका टेक्सचर खराब हो गया. अब अल्टीमेटली कस्टमर का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होती है कि वो ब्लेम शिफ्ट करता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके. और आपको जब वो कंप्लेंट आ गई, अब आपने उस कंप्लेंट को किस तरह से रिप्लाई करना है, तो मैं बात कर रहा हूँ assertion की, तो आप उसके अंदर बड़ा पॉजिटिव लिख सकते हो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी खराब ना हो और उस बंदे को रियलाइज भी हो जाए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आवर कस्टमर एट इट हैज बीन मेंशन्ड ऑन द टैग कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स डू नॉट wash the texture in hot water. The laboratory analysis shows that it was washed in hot water that has spoiled the structure. But because it is our priority, it is our policy, we never annoy our customer. So to compensate your loss, we are sending a new sweater on, for example, half price or 60% discount price, etc. etc. कोई कस्टमर जिसको पता होता है कि ये फॉल्ट उसका है और ये उसके फॉल्ट की वजह से सारा कुछ खराब हुआ है, जब आप उसको इतनी बड़ी ऑफर दोगे तो ये एक assertion के तौर के ऊपर सामने आएगी. इससे आपका इमेज भी पॉजिटिव रहेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अपने क्लाइंट को जो है वो सेव कर लेगी. विद सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स, किसी कस्टमर ने आपके लिए अच्छा काम किया तो आप उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दे दें, ये भी जरूरी होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस फीडबैक और योर फीडबैक हैज गिवन अस अ न्यू लाइफ, योर फीडबैक हैज ऑलवेज हेल्प्ड अस टू upgrade our products वगैरह. With a direct request, or you can always have the opening paragraph with a question. तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपकी persuasive messages के अंदर अगर डाल दी जाए आपका message बहुत strong हो जाता है. बाकी रह जाता है middle paragraph, picture और chain जो भी उसकी होती है उसमें आपने सब कुछ डालना है. और लास्ट पैराग्राफ जो है मैंने दो चीजें लिखी हैं यहाँ पे, पुश एंड होक. पुश का मतलब हुआ आपने अपने कस्टमर को पुश करना है टुवर्ड्स दैट डिजायर्ड एक्शन जो आपको चाहिए,
आपकी कामयाबी इसी चीज के अंदर है कि आप अपने कस्टमर को उस जगह के ऊपर जाकर पुश करके उस जगह के ऊपर ले जाएं जहां आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, और फिर उसको हुक करना है वहां पे। हुक का मतलब होता है उसको वहां पे आपने रोकना है, दैट ही शुडंट गो फॉर एनी अल्टरनेटिव। द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर और द परसुएसिव राइटर वही होता है जो लोगों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बातें मनवा ले और वो आपकी मर्जी के मुताबिक एक्ट करना शुरू कर दे। ये एक छोटा सा परसुएसिव मैसेजेस का वो फॉर्मूला है। एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, आप स्टेटमेंट प्लीज सारी लिख लें, फिर मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ सामने वही वाला लेटर जो है, और उसको हम फिर डिस्कस भी कर लेंगे। तो एक लिखिएगा, जरा स्टेटमेंट लिखें प्लीज सारे। आवाज आ रही है जी मेरी सबको? हेलो, बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। मैसेज लिखें, एक राइट अ लेटर, लाइट अ परसुएसिव मैसेज। To the new or existing donors to forward बल्कि मैं ये नेक्स्ट इसी स्लाइड के ऊपर ही ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप इसके ऊपर एक लेटर लिखे मुझे दिखाएं, फिर हम डिस्कस करते हैं। राइट अ मैसेज टू कलेक्ट फंड्स और write a message to collect funds from your existing new clients to help। आप क्लाइंट्स की जगह पे डोनर्स भी कर सकते हैं। अर्थक्वेक विक्टिम्स, keep in mind the opening, middle and closing paragraph। ले जी आप इसके ऊपर 15-20 मिनट ले लें, लेटर लिखें, फिर मैं इसका एक लेटर लिखा हुआ भी अपलोड कर देता हूं और इसको वी कैन डिस्कस एज वेल। इज इट क्लियर जी? हेलो,
आई विल बैक ऑन 15 मिनट जी, 15 से 20 मिनट में आप ये प्लीज लेटर लिख के मेरे साथ शेयर करें, फिर मैं आगे आपको फर्दर गाइड करता हूँ इसके ऊपर। ले जाइएगा। मैंने पहले कोशिश की थी ना कि ये आपकी तरफ आ जाए, तो वो भी सज्जाद साहब वगैरह इधर ही आए हुए थे घर पे ना, तो बस वो कह रहे थे कि यार क्योंकि वो बाकी लोग उधर होंगे तो मैम को फिर जरा रिक्वेस्ट कर दें मेरी एज पर स्केड्यूल आ जाए। ठीक हो गया, आज जाना है ना 5 बजे आपने, वो बस वो एज पर स्केड्यूल कर लें उसको ना, एज पर स्केड्यूल चले जाएं और रिव्यू ले लें। अभी हमारा जो तय हुआ था ना 5 बजे आपने जाना था ना आज, हाँ बस 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 चले जाइएगा 5 बजे चले जाइएगा। ठीक है, बाकी ये कि वो Thank you.
हाँ जी, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मुझे जरा शेयर कर दें, एक बंदा सिर्फ या तो बोल ले। इब्रार साहब जरा बोलिएगा प्लीज, आपने क्या किया है? अदनान इश्तियाक साहब, रेमशा, आप ऑनलाइन हैं? Thank you.
हाँ जी, कोई लाइन पे हैं भाई कि नहीं? हाँ जी, ये आपको मैसेज नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, एहसान एंड कंपनी? हेलो जी सर। ये देखिए, ये पर्सुएसिव मैसेज है, एक बड़ा कितना सिंपल सा एक मैसेज है, दैट वी आर क्वालिटी ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैविंग नेशनल एंड मल्टीनेशनल क्लाइंट्स and offered services in tax, audit, accounts, IT solutions, and that's all. इससे simple message आप chartered accountancy firm या PIFA जो भी है आपका, आप लिख नहीं सकते। इसी तरह से ये आप देखिएगा please, second message जो है, application for the post of accounts manager, ये persuasive message है। मेरे लिए कोई पढ़ेगा प्लीज, आप लोगों में से जो भी ऑनलाइन है, एनीबॉडी प्लीज? देखिए, आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना। मैं आपको पता, बीमारी के बावजूद पढ़ा रहा हूँ, आप इसको प्लीज पार्टिसिपेट करें इसमें। स्क्रीन आपको क्लियर है? अली यार, ये रिस्पॉन्ड नहीं बच्चे करते। वैसे मैंने अब देखे ना, एक मैसेज लिखा है, तो किस तरह से इनको ऑनलाइन किया जाए? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स मैनेजर, ये मैसेज है, ये स्टैंडर्ड आप सिंपल पोस्ट ऑफ मैनेजर्स ये किसी जॉब के लिए नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन आप किसी भी सिनेरियो के अंदर उसके कंटेंट्स को चेंज करके आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डेली जॉन डेटेड 10 June 2021 फॉर द अबव सेड पोस्ट। अबव सेड पोस्ट क्या है, वो ऊपर मैंने सब्जेक्ट लाइन के अंदर लिख दिया है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल द पर्सुएसिव मैसेज। इट वाज माय लॉन्ग ऑब्सेशन
to work with a company having wonderful success records and employs brand like you. I'm a chartered accountant or a PIFA qualified with additional qualification of MBA in banking and finance. At Institute of Business Administration, having 10 years intensive experience in managing accounts of local and multinational companies. As per latest international accounting standards, being a member of IASB and Direct Regional Accounting Committee of ICAP, contributor suggestion papers. देखिए आप जो कुछ भी लिख रहे हैं एक्सेल में ये है क्या है? They are the strengths, or they are the most valuable points जिसकी जिसको बेस बना के आपकी एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट किया जाएगा. लिहाजा पर्सुएसिव मैसेजेस के अंदर ये काम बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमम जो है वो कोशिश करें शो करने की. अब यही पोस्ट थोड़ा सा आगे चलती है. आई डू पोजेस आउटस्टैंडिंग इंटरपर्सनल स्किल्स दैट हेल्प इन मेकिंग गुड रिलेशंस विद इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स and confirm the success of any organization. Working in teams and groups on independent tasks and chasing targets is my passion. I know the art of managing people for excellence performance. Ab ye dekhen aapki personal competence bhi iske andar aa gayi. Aapne show kar diya ki aap na sirf professionally sound hain, aapki jo personal competence hain they are also outstanding. इसको बेस बना के डेफिनेटली आप जॉब को सिक्योर कर सकते हैं. आई श्योर माय प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स टू मीट योर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस. आई एम अवेलेबल ऑन माय मिडिल मोबाइल ऑल टाइम्स. लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंसिडरेशन वट एवर इट इज. और ये आंसर है आपकी उस स्टेटमेंट का जो मैंने आपको लिखवाई है. आप प्लीज इसको देख लें. ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाके यहाँ पे खत्म हो जाती है. आगे कंडोलेंस मैसेज है परसुएसिव, ये भी आप देख लीजिएगा. इसको जरा प्लीज देखें और फिर क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लें. यू हैव 10 मिनट्स टू गो थ्रू दिस और अपना जो लिखा हुआ है वो भी इसके साथ कंपेयर करें ताकि ये कि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह से आपने इस मैसेज को जो है वो लिखना है. No question. ये एक कंडोलेंस मैसेज है जिसको पर्सुएसिव मैसेज की कैटेगरी के अंदर लेते हैं. मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, इसको देख लीजिएगा. कोई क्वेश्चन हो फिर मुझसे आप क्वेश्चन कर लें. आई कुडंट रेजिस्ट राइटिंग माय डीप कंसोलेशंस फॉर द ब्रेव पीपल हु डाइड एंड हू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द रीसेंट बम ब्लास्ट इन योर मार्केट एरिया. सच रुथलेस एंड रिजिड वेलिन
who committed this heinous crime are commended all over the world, condemned all over the world. They have damaged others' life. Ye other ki jagah pe others' life kar le. For little benefit, I have my deep regrets on all material and human loss, and pray for the compensations from Almighty Allah. Enclosed is a check for the victims of the bad incident to be distributed at your discreet. वो जो हमने एक लेटर लिखा था उसी उसमें एक रिप्लाई कॉन्डोलेंस लेटर आ गया, वो इस तरह से लिखा जाता है. जेंटलमैन, कल इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे ऑन, आज हमने एप्लीकेशन के ऊपर बात की है, कल हम बात करेंगे ऑन ऐसी राइटिंग और गुड न्यूज और बैड न्यूज मैसेजेस. इंशाल्लाह दो कल आपको प्रैक्टिस करवाएं. Any question you want to ask, वो आप पूछ लें मुझसे, बाकी फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह. जी साजन जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. फ्यूचर याद रखो, सारसन इंटरनेशनल है. एड्रेस भी वो लोकेशन भिजवा दूं, सारसन इंटरनेशनल. आ जाओ. Thank you.